খাবো সাথ না হয় শিল্পা মাঠে ওরাই সবচেয়ে ভালো জল তো তোকে সুখী जमशेदपुर के सुना एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए दुर्घटनाग्रस्त विमान की कोलकाता 6 सदस्य टीम जांच के लिए पहुंची। होली के रंगों का त्यौहार की छुट्टी के उत्साह में शहर के कॉलेज छात्र जमकर खेली होली। आज सुना एयरपोर्ट से जमशेदपुर से कोलकाता के लिए 19 सीट विमान की कल से होगी शुरुआत। और अब खबर विस्तार से जमशेदपुर के सुनारे एयरपोर्ट पर कल लैंडिंग करते वक्त एलके मिस्ट एविएशन का 4 सीट विमान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद आज कोलकाता से आई डीजीसीए के 6 सदस्य टीम सुनारे एयरपोर्ट पहुंची, जहां टीम ने दुर्घटना स्थल पहुंचकर विमान की जांच किया। वही जांच के बाद टीम सुनारे एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना हो गई। फिलहाल टीम जांच रिपोर्ट कुछ दिन बाद देगी। टीम दुर्घटनाग्रस्त का रिपोर्ट कोलकाता लेकर आई। वह एलके मिस्ट के सीईओ मृणाल पाल बताया कि डीजीसीए टीम जांच करने आई थी और जांच के बाद टीम कोलकाता चले गई। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट टीम हम लोगों को सौंपेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास विमान सुनारे एयरपोर्ट से उड़ाने की इजाजत है, मगर 2015 से ट्रेनिंग के लिए लाइसेंस की मांग की गई थी, जो अब तक हमें नहीं मिली। फिलहाल एक बड़ा हादसा टल गया, पायलट की सूझबूझ से हादसा टला। डीजीसीए का टीम आई है और अपना इंस्पेक्शन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, तो इसमें कुछ खास अभी मिला नहीं है। छोटी सी इंसिडेंस है, बहुत बड़ा इंसिडेंस है नहीं, हो सकता था। पायलट का सूझबूझ से सारा चीज़ संभल गया। जांच में क्या पाया? जांच अभी, हाँ जी, हाँ, प्लेन रनवे से हट गया है। अगर है तो ये है कि आज हम 3 साल से दौड़ रहे हैं दिल्ली लाइसेंस लेने के लिए, डीजीसीए से ट्रेनिंग करने का, बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जो ट्रेनिंग है वो करने की कोशिश कर रहे हैं आज 3 साल से। तो आई एम सॉरी टू से उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। होली की तैयारी को लेकर शहर के कॉलेज का आखिरी दिन रहा। इस दौरान छात्रों ने होली के त्यौहार को अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर कॉलेज परिसर में होली मनाई। होली को लेकर शहर के सभी शिक्षण संस्था बंद रहेगी और इसे लेकर छात्र छात्राओं में एक अलग ही रंग देखने को मिला। इस होली के त्यौहार के मद्देनजर आज कॉलेज का आखिरी दिन रहा, जिसमें छात्रों ने एक दूसरे के साथ होली के रंग की मौज मस्ती की। और होली रंगों का त्यौहार है, जिसमें दुश्मन भी रंगों के त्यौहार में एक दूसरे के साथ मिलकर होली का आनंद उठाते हैं। सारे को इधर आओ ना, सामने 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 आओ ना, जल्दी देखो। सबको इधर देखना, अरे लगा लगा उसको लगा, इधर नहीं देखो, उधर देखो। जमशेदपुर के सुनारे एयरपोर्ट से 19 सीट विमान सेवा कल से शुरू होने जा रही है। एयरपोर्ट पर एयर डेक्कन को यह जिम्मेवारी मिली है। कल से शहर के लोग जमशेदपुर से कोलकाता और अन्य राज्यों में हवाई यात्रा कर सकेंगे।
सस्ती उड़ान सेवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने एयर डेक्कन के साथ समझौता किया है। नागरिक उड़ान प्रोजेक्ट के तहत आधे घंटे की यात्रा में जमशेदपुर से कोलकाता पहुंच सकेंगे। मात्र 1500 रुपए में हवाई सफर का सपना पूरा होगा। वहीं सस्ती विमान सेवा की योजना को सफल बनाने के लिए टाटा स्टील सोनारी एयरपोर्ट का किराया नहीं लेगी। इस विमान सेवा चालू करने का अवसर एयर डेक्कन को मिला है। सोनारी एयरपोर्ट की सुरक्षा की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट में पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिसका निरीक्षण DSP ने किया। एक जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है उसी के तहत जमशेदपुर टू कलकत्ता एक एयरलाइंस स्टार्ट होने वाला है जो 18 सीटर्स है और वो प्रोबेबली 18-28 को उद्घाटन किया जाएगा यहाँ पे। और उसी का मैं सिक्योरिटी असेसमेंट करने आया था यहाँ पे और करीब लगभग 40 ऑफिसर्स जवान्स मिलाकर हम यहाँ डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ताकि जो भी पैसेंजर हो या फिर जो क्रू मेंबर्स हो या फ्लाइट की सिक्योरिटी के लिए एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए वो 28 तारीख से हमारा यहाँ फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा और ये सारी जो सिक्योरिटी चीज़ें हैं सिक्योरिटी संबंधी जो चीज़ें हैं वो जमशेदपुर पुलिस ही इसको इंश्योर करेगी। परफेक्ट है। हाँ सारा चीज़ सब ठीक है। हम लोगों ने जितने भी पुलिस पर्सनल है सभी को ट्रेन किया गया है और ट्रेंड होने के बाद है कि सभी को काम का ब्रीफ किया गया है कैसे करना है क्या करना है और प्रोबेबली है कि 28 से ये शुरू हो जाएगी तो फिर नियमित रूप से ये हमारा जो पुलिस ऑफिसर्स एंड जवान है सभी कार्य करेंगे। बरम स्टार टॉकीज के पास ट्रांसपोर्टर दीनानाथ की हत्या घर से बुलाकर रट से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दीनानाथ प्रसाद के परिजनों ने अपने पिता की हत्या के आरोपी गिरफ्तारी को लेकर आज जिले के वरीय अधीक्षक से मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिता दीनानाथ प्रसाद के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। वहीं आपको बता दें कि हत्या दीनानाथ प्रसाद ब्रजमोहन सिंह के बीच तेल कटिंग के कारोबार को लेकर विवाद था। बरामाई से पूर्व में तेल डिपो से तेल कटिंग का कारोबार धड़ल्ले से चलता था, जिसको लेकर दीनानाथ प्रसाद की हत्या हुई। वहीं आरोपी ब्रजमोहन सिंह के खिलाफ बरामाई थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज है। दो तारीख को शाम को पापा को मतलब स्टार्ट आगे के पास बुलाकर रॉड से मार दिया गया। ये बहुत दिन हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है जो मारा गया उसको। तो हम इसी के लिए आए हैं। मारने का नाम ब्रजमोहन सिंह है। तन किन से मिलने आए हैं? हाँ इसीलिए इसकी कार्यालय आए हैं ताकि जल्द गिरफ्तारी हो। खबरों वक्त छोड़ से ब्रेक का बने रहिए हमारे साथ। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखण्ड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर SK तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-243-8616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने और उनमें राष्ट्रवाद का जुनून पैदा करने को लेकर सक्रिय जमशेदपुर की संस्था नमन ने महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। साक्षी के कालीमाटी रोड स्थित संस्था के कार्यालय के समक्ष बड़ी संख्या में युवा बुद्धिजीवियों समेत संस्था से जुड़े लोगों ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। नमन संस्था के संस्थापक ने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करना उनके क्रांतिकारी भाव को नमन करना है। युवा में राष्ट्रभक्ति क्रांतिकारी की भावना पैदा करना संस्था का मूल उद्देश्य है। उनका जो कमिटमेंट था वह बहुत बड़ा था। इसमें स्वयं ही अकेला बैठकर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का उन्होंने निर्णय लिया था और 15 बेत मारने की, यह थी कमिटमेंट। और इस कमिटमेंट के सपनों नमन कृत संकल्पित है, देश में देश को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, ऐसे सभी नायकों को, वीरों को, क्रांतिकारी सूरवीरों को नमन सदैव नमन करेगा। आज महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर जी का शहादत दिवस है। नमन यह चाहती है जमशेदपुर लोह नगरी के युवा, खासकर अपने संस्कृति के साथ, अपने ऐसे वीरों के शहादत को अपने हृदय में सदैव आत्मसात करता है। इतिहास में वही लोग जिंदा रहते हैं, इतिहास में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने अतीत को सदैव और इतिहास को सदैव मर्यादित तरीके से, उनके प्रति आदर के साथ उनको सदैव नमन करते हैं। नमन शहीदों के सपनों, नमन चाहती है शहादत देने वाले ऐसे तमाम वीरों के सपनों को हम समझें। शहादत देते वक्त उनका सपना क्या था, उनकी सोच क्या थी, और उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलने का प्रयास करें। ग्रेजुएट कॉलेज में साइंस डे मनाया गया। इस साइंस डे से सीबी रमन की याद में मनाया गया। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने सीबी रमन की याद में ग्रेजुएट कॉलेज के छात्रों के द्वारा साइंस डे सेमिनार का आयोजन किया गया था। सीबी रमन भारत के पहले नोबेल साइंस पुरस्कार पाकर सम्मानित हुए थे, जिन्हें आज देश नहीं हर नागरिक उनके इस काबिलियत को, अपने आप को उनके आदेश का प्रेरणा स्रोत है। एक्चुअली साइंस डे सेलिब्रेशन, नेशनल साइंस डे जो सेलिब्रेट होता है, सीवी रमन जी के नोबेल प्राइज जो प्राप्त हुआ था हमको, भारतवर्ष के लिए वो पहला नोबेल पुरस्कार साइंस में मिला था हमको, तो उनको ही सम्मानित करने के लिए और पूरा समाज में साइंस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और हर काम को इंसान साइंटिफिकली, लॉजिकली, एनालिटिकली सोचे, उसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों के स्पीकर्स हैं अलग अलग विभाग से, पूरा साइंस फैकल्टी मिल के ग्रेजुएट कॉलेज में ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। बच्चों को क्या बताया जा रहा है, इस पर क्या करना चाहिए? बच्चों को मेनली ये बताया जा रहा है कि आप कोई भी चीज़ को, आप आजकल के जितने भी नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो कि हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और उसको और सुचारू और सुंदर रूप से और उसको हम लोग कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, उसके नया नया खोज जो अभी भी विश्व में हो रहा है उसके बारे में, प्लस जो रूढ़ीवादी ऑलरेडी हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है उसको हटाने के लिए बच्चों को मतलब क्या करना चाहिए, कैसे उस दिशा में उनका सोच को हम लोग लाना चाह रहे हैं। एक तो साइंटिफिक एटीट्यूड लोगों में डेवलप हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, उसके लिए। जमशेदपुर के पूर्व सांसद दिवंगत सुनील महतो की 11वीं पुण्यतिथि आगामी 4 मार्च को शहर के कदमा स्थित गणेश पूजा मैदान में मनाई जाएगी। शहादत दिवस पर श्रद्धालु सर्वधर्म प्रार्थना सभा भोग वितरण होगा। वहीं शाम को एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम तहत देशभक्ति गीत का कार्यक्रम होंगे। इसकी जानकारी दिवंगत सुनील महतो की पत्नी पूर्व सांसद सुमन महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि सांसद सुनील महतो की हत्या हुए 11 वर्ष बीतने को आए, लेकिन अब तक हत्या के असल साजिशकर्ता खुलासा करने में जांच एजेंसियां सफल रही है। वहीं उन्होंने खुद की सुरक्षा व्यवस्था वर्ष 2015 के बाद हटा लिए जाने पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सार्वजनिक राजनीतिक जीवन को देखते हुए सरकार ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए। पूर्व सांसद ने कहा कि पति की हत्या की जांच और खुद की सुरक्षा को लेकर अगले माह में वे दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेगी।
इनका 4 मार्च को इनका 11वां शहादत दिवस है, और जिस तरह हम लोग हर वर्ष की भांति इसको हम सुबह जाते हैं गमरिया में जहां इनका अंतिम संस्कार हुआ था, और वहां पर हम अपने बच्चों के साथ श्रद्धांजलि देकर आते हैं, और 9 बजे से यहां जो कदमा गणेश पूजा मैदान है जो मेरा आवास सह कार्यालय है, यहाँ पर हम लोग 9 बजे से सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ इसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें चारों धर्म के धर्म गुरु आते हैं, और उसके बाद वो लगातार चलता रहता है श्रद्धांजलि सभा। बीच में हम लोग इनके नाम से भोग का वितरण करते हैं ताकि जितने लोग आते हैं वो इनके नाम से उस भोग को ग्रहण करके जाएं, और इसी तरह ये चलता रहता है। और शाम 6 बजे से एक शाम शहीदों के नाम बोल के एक कार्यक्रम हम लोग रखते हैं, जिसमें कि देशभक्ति गानों का सिलसिला रहता है जो करीब करीब 10 बजे रात तक चलता है। और इसमें एक बात बताना चाहेंगे कि हम प्रति वर्ष की तरह, और ये 11 साल हो गए, हम दो ही बातों को रखे थे, हमको नहीं चाहिए मतलब रुपया, नहीं चाहिए पैसा, मतलब ये कोई चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि हमको बहुत हाई लेवल में रखा जाए या ये किया जाए या वो पद दिया जाए, क्योंकि मेरे लिए जो चीज़ को हम खोए हैं, मेरे लिए ये पद का कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि हम जो चीज़ खोए हैं उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। और दूसरी बात है कि हम एक ही सवाल हर साल दोहराते आए हैं, और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम यही बोलते हैं कि इसमें हमको अभी तक न्याय नहीं मिला, और हम हर दरवाज़ा खटखटाएं, चाहे वो आपका गृह मंत्रालय हो चाहे यहाँ की सरकार, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। करंडी प्रखंड कार्यालय में कांग्रेस महिला मोर्चा की ओर से विकलांग वृद्धा पेंशन एवं राशन कार्ड नहीं बनाने को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। पूरे राज्य में कांग्रेस महिला मोर्चा की ओर से एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और धरना के माध्यम से भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। वहीं इस धरना में बैठे कांग्रेस महिलाओं का मांग है कि गरीब महिलाओं को अब तक वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और विकलांग पेंशन नहीं बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग धरना कार्यक्रम किए हैं। हम लोग आज पूरे राज्य में सारी महिला कांग्रेस के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हम लोग का मांग है जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, बीपीएल कार्ड है, और हम लोग का जो महिलाओं के बीच में अभी तक ये चीज उपलब्ध नहीं हुआ है, जो मोदी सरकार हमेशा ये महिलाओं के लेकर के बोलते हैं कि हमने महिलाओं को सुनिश्चित किए हैं कि हर चीज देंगे, लेकिन अभी तक हमारे महिलाओं के बीच में विधवा पेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो हमारे बीच कांग्रेस ने हम लोग के बीच में दिया था लाल कार्ड, वो भी अभी खत्म कर दिया गया है। जो बीपीएल कार्ड था वो भी अविलंब खत्म कर दिया गया है। ये सारी चीज को खत्म करके मोदी सरकार क्या हासिल करना चाहते हैं, और कोई चीज अभी तक धरातल पर जो नहीं उतरा है तो उसको देख करके महिलाओं कैसे सबूत कर सकती है। इसलिए हमारे महिलाओं की मांग है कि हमें जल्द से जल्द विधवा पेंशन दिया जाए, लाल कार्ड दिया जाए, और बीपीएल कार्ड में हमारा नाम जो कट चुका है उसे दर्ज किया जाए। ग्रेजुएट कॉलेज पार्ट 3 का फीस बैंक जमा नहीं लिए जाने को लेकर पार्ट 3 की छात्रों ने कॉलेज परिसर में लंबी कतारों के माध्यम से अपना पैसा जमा करा रही है। अभी गर्मी की तो शुरुआत ही हुई है, और छात्र गर्म से बौखलाए अपने करियर को ध्यान में रखते हुए लंबी कतार में खड़ी अपना पैसा जमा करा रही है, लेकिन इस पैसा जमा करने में कॉलेज की छात्रों की पसीना छूट रही है। वही लंबी कतार में खड़ी छात्रों का कहना है कि बैंक में पैसा नहीं लिया जा रहा है, और कॉलेज में पैसा लिया जा रहा है तो लंबी कतार में खड़े रहना पड़ रहा है। इस वजह से लड़कियां खड़े खड़े लाइन में गिरने लग रही है। पेपर नंबर
ये जो लाइन है वो बैंक में चला पैसे जमा करने का लाइन है और बैंक में सुविधा नहीं है, उसकी वजह से इतनी लंबी कतार लग रही है लड़कियों की, जिसके ऊपर कॉलेज को और बैंक को दोनों को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और इसमें लड़कियाँ बेहोश होंगी या उनकी तबीयत ख़राब होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि बैंक की तरफ से, प्रिंसिपल कॉलेज की तरफ से इस बात के लिए कुछ किया जाए, इस समस्या का समाधान निकाला जाए। किस किस क्लास का ये? ये पार्ट थर्ड वाली लड़कियों का है, जनरल ऑनर्स सभी का है। और अब चलने से पहले डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सुनार एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए दुर्घटनाग्रस्त विमान की कोलकाता 6 सदस्य टीम जांच के लिए पहुंची। होली के रंगों का त्यौहार की छुट्टी के उत्साह में शहर के कॉलेज छात्रों ने जमकर खेली होली। और सुनार एयरपोर्ट से जमशेदपुर से कोलकाता के लिए 19 सीट विमान की कल से होगी शुरुआत। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।